नमस्कार, सतियात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मनरेगा मजदूरों को कानूनी सहायता हेतु दी गई जानकारी। विकासखंड छानबे के ग्राम सभा भटेवरा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मिर्जापुर के तत्वाधान में मनरेगा मजदूरों को निःशुल्क कानूनी सहायता हेतु सदैव प्रतिबंध के लिए जानकारी दी गई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशा निर्देशानुसार चौपाल में अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए निजी विद्यालय में नामांकन के लिए 25% आरक्षण की बात कही गई। महिलाओं का कानूनी अधिकार, महिलाओं का यौन उत्पीड़न, मनरेगा कार्यों में उत्पीड़न, मनरेगा मजदूरी में उत्पीड़न, आवास में उत्पीड़न, किसी भी खबर में नाम न छपने का अधिकार जिलाधिकारी के सामने दर्ज करा सकती हैं। मनरेगा मजदूरों को लोक अदालत से लाभ निःशुल्क दिया जाता है। खास बात यह है कि लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य होता है, किसी भी न्यायालय में बदला नहीं जा सकता। खंड विकास अधिकारी उषा पाल ने कहा, किसी भी मनरेगा मजदूर को काम करने के लिए ग्राम प्रधान से कहें 15 दिन के अंदर काम मिल जाएगा। उपस्थित ग्रामीणों से सोख्ता, गड्ढा, वर्मी कंपोस्ट, कैटल सेट आदि के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में अधिकृत न्यायालय के PLU राम आश्रय सरोज, PLU जयप्रकाश सरोज, PLU दीप चंद दुबे, खंड विकास अधिकारी श्रीमती उषा पाल, सहायक विकास अधिकारी पंचायत रविकांत ओझा, ग्राम विकास अधिकारी सौम्या सिंह, ग्राम प्रधान विकास कुमार सरोज, तकनीकी सहायक संतोष सिंह, आंगनबाड़ी आशा व समूह की महिलाओं सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। सतियात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर। धन्यवाद। जो सरकारी धन है उसका दुरुपयोग हो रहा है। आवास के मामले में जिस गांव में जाइए, वास्तव में झुग्गी झोपड़ी विधवा विकलांग जो इसके पात्र हैं, आज भी कुछ न कुछ घर छूटा हुआ है। वास्तव में जिसको आवास चाहिए, आप जागरूक नहीं है, इसलिए उसका लाभ संपन्न व्यक्ति अपने किसी न किसी पद का दुरुपयोग। 100 दिन की गारंटी दी जाती है, एक वित्तीय वर्ष में आप 100 दिन का काम कर सकते हैं मनरेगा के अंतर्गत। प्रत्येक दिन आपको 204 रुपए की दर से मजदूरी मिलेगी। इसके लिए आपको आवेदन करना होगा ग्राम पंचायत स्तर पे प्रधान जी के यहाँ या सचिव के द्वारा, जो है कि आपका आवेदन लिया जाएगा, फिर आपको काम दिया जाएगा 15 दिन के अंदर मनरेगा के अंतर्गत। तो संभवतः इसमें से बहुत सारे मनरेगा के मजदूर होंगे भी, आप लोग काम कर रहे होंगे। हाँ, और इसके साथ साथ जैसे इंडिविजुअल वर्क में आपके यहाँ सोख्ता गड्ढा नहीं है, वर्मी कंपोस्टिंग नहीं है, या आपके यहाँ पशु हैं और पशुओं को रखने के लिए कैटल सेट, गोट सेट, ये सब नहीं है, तो मनरेगा के अंतर्गत आपको इंडिविजुअल ये सब भी काम करवाया जा सकता है। लेकिन उसमें एक पात्रता की कुछ शर्तें होती हैं। होता क्या है कि अमूमन हम सभी चाहते हैं कि हमको योजना का लाभ मिले, हमको मिले। आप कोशिश करिए कि आपकी ग्राम पंचायत में जो पात्र व्यक्ति है उसको उस योजना से आच्छादित किया जा रहा है कि नहीं, लाभान्वित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे अभी ये बैठी थी सरिता, सरिता को हमने इनके बेटे को आवास दिया है, प्रधानमंत्री आवास इनके बेटे का बन गया है, तो भी आप शिकायत कर रही हैं कि हमें नहीं मिला। जिसके यहाँ बिल्कुल नहीं मिला उसके लिए आपने कभी सोचा? तो ये योजनाएं जो आती हैं ये पूरे इतने पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है कि हम हर किसी को लाभान्वित कर सके। सीमित मात्रा में योजनाएं मिलती हैं, फिर सीमित मात्रा में वो दी जाती हैं। तो प्रयास हम सबका होना चाहिए। ग्राम सभा की जब खुली बैठक बुलाई जाती है तो उस दौरान आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि जो सर्वाधिक जरूरतमंद व्यक्ति है उसको आप पहली योजनाओं से लाभान्वित करेंगे। तो हम आपको भी ये प्रयास करना होगा ना कि इसमें से जो सर्वाधिक व्यक्ति हैं आपकी बैठक में शामिल हैं या जो ग्राम पंचायत में आपके हैं निवास रख और वो सर्वाधिक पात्र हैं, उनके पास आवास नहीं है, कच्ची झोपड़ी में रह रहे हैं, तो उनका नाम आप ईमानदारी से डलवा दीजिए। सेक्रेटरी को तो सारी बातें पता होगी, आपको पता होती है। जैसे आपने कहा कि हमसे नहीं मतलब है, जब आपसे मतलब नहीं रहेगा तो फिर हम भी अपने हिसाब से काम करते हैं ना, तो मतलब आपसे भी होना चाहिए। हम जितने जिम्मेदार हैं उतने जिम्मेदार आप भी हैं अपनी ग्राम पंचायत के विकास के लिए। तो आपसे अनुरोध है कि जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं उसका लाभ सही व्यक्ति को मिल सके, इसको आपको भी सुनिश्चित करना होगा। हम प्रधान के प्रधान मत कहे न जरूरत जरूरत के
अरे तो पहले नौकरी चाकरी नहीं देखे अब अगर आगे हम नाटक हमारे बात चाहे या नहीं चाहे।